आनंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। आइए पावन नंद भवन देखने चलें, जहां भगवान का बचपन बीता था। वासुदेव जब सूप में भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल आए तो सर्प ने छाया दी और यमुना जी ने चरण प्रक्षालन कर मार्ग दिया। ये देखिए भगवान का घर नंद भवन। यही जसोदा ने हरि को पालने में झुलाया था। से कोमल है तेरे चरण, वो श्याम सूरत मनोहर भवन। पिता उग्रसेन को कारावास में डालकर राजा बने कंस ने जब यह आकाशवाणी सुनी कि तेरी बहन देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा, तो वह आग बबला हो गए। देवकी और वसुदेव को कारावास में डाल दिया, एक एक कर सात पुत्रों की हत्या की। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो दिव्य घटनाएं हुई। पहरेदारों को नींद आ गई, कारावास के दरवाजे खुल गए। माना जाता है कि भगवान चतुर्भुज आए और वासुदेव से कहा कि कृष्ण भगवान को आप अपने साथ गोकुल ले जाओ। बारिश की अंधेरी रात में सूप में रखकर जब भगवान कृष्ण को लेकर चले तो यमुना जी उफन रही थी भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए। भगवान ने सूप से चरण बाहर निकाले, यमुना ने चरण प्रक्षालित किए और मार्ग दिया। उसी दिन यशोदा के गर्भ से महामाया का जन्म हुआ था। वासुदेव कृष्ण को देवकी को सौंपकर महामाया को साथ लेकर चले गए। भ्रमित कंस ने महामाया को मारना चाहा तो वह यह कहते हुए आकाश में उड़ गई, तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। इसी रास्ते से वासुदेव कान्हा को गोकुल में लेकर आए थे, इसलिए इसका नाम वासुदेव मार्ग रखा गया है। गोकुल की गलियों का यह मार्ग विशेष क्यों है, गाइड जी से जाने। रास्ते से जो आप आए हैं नी, ये रास्ते का नाम बोलते हैं वासुदेव सूर रास्ता। भगवान को जब मथुरा में जन्म हुआ उनके पिता वासुदेव जी नदी यमुना पार करके ये रास्ते से लाए। बोलो राधे राधे। यह मार्ग रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद अष्टमी की घनघोर अंधेरी रात की याद दिलाता है। वासुदेव इसी राह से कृष्ण को लेकर नंद भवन गए थे। गाइड ने दीवारों पर लगे शिलालेखों के विषय में बताया, सविधि पूजा अर्चना के बाद यह शिलालेख उनके नाम से स्थापित किए जाते हैं जिनकी सदैव ब्रज में वास करने की इच्छा हो। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर महावन है, जिसे पुराना गोकुल भी कहा जाता है। सड़क मार्ग से लगभग 25 मिनट में यहां पहुंचा जा सकता है। वासुदेव करे पुकार, कैसे उतरूं यमुना पार। बोलो वासुदेव भगवान की जय। बोलो नंद के लाला की जय। परिसर में स्थित शिव मंदिर की रहस्यमयी गाथा क्या है, गाइड जी से जाने। सदाशिव नंदेश्वर महादेव जय। बोलो नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर महादेव की जय। जैसे आप दर्शन के लिए यहाँ गोकुल में पधारे, यहाँ भगवान का अवतार हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता यहाँ गोकुल धाम में भगवान का दर्शन के लिए आए। जो मैया यशोदा ने सबको दर्शन कराया, शंकर भगवान को दर्शन करने से मना कर दिया और शंकर भगवान ने भूमि ऊपर में 3 दिन 3 रात्रि बैठ के तपस्या की। आत्मीय पांडित जी से नंदोत्सव के बारे में जाने। अष्टमी के दिन कृष्ण का रात को जन्म हुआ तो दूसरे दिन पूरे नंद जो गोकुल में जो है नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा के यहाँ ग्वाल वालों ने बड़ी खुशी मनाई और नंद बाबा ने खुश होकर के तमाम हाथी घोड़े और बहुत कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं दान के रूप में सबको ग्वाल वालों को सबको बांटी। तो नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। ऐसे बोलते हुए ब्रज के मंदिरों में अभी भी नंदोत्सव मनाया जाता है और दही और जो है मक्खन की जो है लुटाया जाता है, जिसको ग्वाल वाल जो है अभी भी मंदिरों में लूटते हैं और ये परंपरा अभी तक चल रही है।
मित्रों, अब हम नंद भवन में निर्मित 84 खम्भों के दर्शन करने जा रहे हैं। मान्यता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने एक रात में इन्हें बनाया था। इन 84 खम्भों का रहस्य क्या है, आइए जानें। राधे राधे, ये देखिए भगवान का घर नंद भवन। नंद भवन में लगा हुआ ये 84 खम्भा 84 पिलर, ये भगवान के समय का है। ऊपर वाला छत भगवान के समय का काला है। यशोदा मैया नौला गाय का दूध गर्म किया, दूध के भाव से राजभवन काला पड़ा हुआ। ये 84 खम्भा कोई सेठ साहूकार राजा ने नहीं लगाई, देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा एक रात्रि में 80 खम्भा धारण किया। 4 खम्भा लाके ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने लगाया 4 युग का। जो कलयुग का प्राणी अपने माता पिता को व्रत 84 कोस यात्रा नहीं करा पाता है, यहाँ नंद भवन में आता है, भगवान का झूला झुलाता है, 84 खम्भे का परिक्रमा करता है, तो 84 यात्रा का फल मिलता है। बोलो राधे राधे राधे। ये 4 खम्भा 4 युग का ब्रह्मा जी ने लगाया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। बोलो राधे राधे। नंद के इसी आंगन में बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए अपना बिंब पकड़ने के लिए घुटनों के बल चलते थे। कान घुटरो बनियावत किलकत, कान घुटरो बनियावत, मने मही कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े वे धावत, कबहुन रखी हरी आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलकि हसति राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजते, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आंचल तरिले ढाँकि सूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकति कान घुटरो बनी आवती, किलकति कान घुटरो बनी आवत। धन पांडी जी के मधुर कंठ से सूरदास का पद सुनकर हम भाव विभोर हो गए। आइए अब चलते हैं उस गर्भगृह के दर्शन करने जहाँ भगवान कृष्ण को वासुदेव लेकर आए थे। गोविंद जो माता बहने का बच्चे का जन्म होता है नहीं, उनको गर्भगृह में रखा जाता है सुबल बुद्धि की जगह, तो ये भगवान की सुबल बुद्धि की जगह है। भगवान जन्म लेके यहाँ आई है, यहाँ से नंद बाबा की पुत्री योग माया का जन्म हुआ, योग माया का, जिसको पलटा करके वासुदेव की मथा ले गए, मामा कंस के हाथों दिया, मामा कंस धोबी की शराब पे उसको पछाड़ा, हाथ से छूट के आकाश में बिजली बनी, जवाब दिया तू मुझको क्या मारता है, तेरे मानने वाला कृष्ण गोकुल झूला में झूलता है, मथुरा लिया अवतार और गोकुल में झूले पालना। तो यही मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया, वही बाप से यहाँ ठाकुर जी का पालना झुलाना पड़ता है, यहाँ ठाकुर जी का झूला झुलाओ, घर में नाती बेटा पालने में झूलता है। बोलो राधे राधे। यहाँ कैमरे की अनुमति नहीं मिली, लेकिन आंखों ने जो देखा और मन ने महसूस किया उसके विषय में आपको बतलाता हूँ। मित्रों, मैं अद्भुत गर्भगृह मंदिर के पावन दर्शन करके आया हूँ। यहीं पर बलराम जी का जन्म हुआ था, यहीं माया जन्मी थी जो चमत्कार रूप में थी, और यहीं वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर आए थे। आपने जो स्वास्तिक चिन्ह वाला पर्दा देखा उसके भीतर 4 विग्रह हैं,
बीच में श्यामल विग्रह बलराम जी का है, दोनों ओर नंद और यशोदा मैया के विग्रह हैं, और नीचे पालने में भगवान कृष्ण झूला झूल रहे हैं। भक्त आते हैं और कृष्ण को झूला झूलाकर अलौकिक सुख की अनुभूति करते हैं। चलो सखी वहाँ चलिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो काज। ब्रजवासिनी श्रीमती मंजू जी पारिक के मधुर कंठ से भजन सुने। बाके बिहारी की बाके मरोर चित लीना है जो, बाके बिहारी की बाके मरो चित लीना है जो, बाके मुकुट उनके कुंडल विशाल, गलिहार हीरों का मोती की माल, बाके ही पटके का लटका है छोर चित लीना है चूर, बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीना है चूर, मुजड़ी जड़ाऊ जभारत की, बाकी लकुटिया हरे बास की, बाके पीतांबर की छलके है कोर चित लीना है चूर, बाके बिहारी की बाकी मरो चित लीना है जो, कमलों से कोमल है तेरे चरण, ओ श्याम सूरत मनोहर पवन, कमलों से कोमल है तेरे चरण, ओ श्याम सूरत मनोहर पवन, भक्तों से प्रीत जैसे चंदा चकोर चित लीना है चोर, बाके बिहारी की बाकी मरो चित लीना है जो, वो बाकी झांकी वो बाकी अदा, भक्तों के कारज सुधारे सदा, दो दिन दुखियों की सुनते निहोर चित लीना है जो, बाके बिहारी की बाकी मरो चित लीना है जो। आज से लगभग 5,500 साल पहले दुनिया के सबसे नटखट बालक ने यहाँ 11 वर्ष 1 माह और 22 दिन गुजारे। यह वही स्थान है जहाँ माता यशोदा भगवान को पालने में झुलाती थी। यशोदा हरि पालने झुलावे, इस आंगन से अनेक यादें जुड़ी हैं। यहीं दूध पीकर कारा ने कहा होगा, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, किती बार मोए हैं दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, यहीं जित की होगी मैया मैं तो चंद खिलौना लूँगा। यहीं पड़ोसियों ने शिकायत लगाई होगी, तेरे लाल मेरो माखन खायो, यहीं ग्वाल बालों ने चिढ़ाया होगा, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम सरी। चौरासी खंभों से सुसज्जित नंद भवन के मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण को झूला झुलाने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आइए दिव्य पल से हम भी रूबरू हों। नंद यशोदा का घर है, गर्भगृह, गर्भगृह देखा, ये भगवान का घर, यही भगवान को झूला झुलाते हैं, भोग लगाते हैं, खुशी हो तो कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मान्यता है कि ठाकुर जी को झूला झुलाने से मनसा वाचा कर्मणा दोष दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। चैनल के चाहने वालों, विश्वास है कि नंद भवन के दर्शन कर आपका मन भी कृष्णमय हो गया होगा और आप सभी प्रकार के संतापों से मुक्त हो गए होंगे। जो भी कृष्ण भक्ति में डूब जाता है वह सब कुछ भूल जाता है,
दधि को नाम बिसर गयो, ले लोहूरी कोई श्याम सलोनू। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल से प्यार करने वालों, नंद भवन आए तो बाल कृष्ण के दर्शन हुए, भगवान के पालने में झूलने किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल चलने माखन मिश्री खाने, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने और बांसुरी बजाने के अनेक दृश्य सजीव हो गए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलना और मित्रों में शेयर भी करना। फिर मिलूँगा आपसे ब्रज के किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।